हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज की रेसिपी है हमारे बहुत ही टेस्टी आलू भुजिया सेव की रेसिपी, जो कि हमने बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनाकर तैयार की है, जो कि इसका टेस्ट एकदम हल्दीराम भुजिया मिलती है उस तरीके का आया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो कुछ ही चीज़ों का ध्यान रख के हमें इसे बनाना है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर 3 बॉयल आलू लिए हैं मैंने, और इन बॉयल आलू को हमें ग्रेट करना है। तो इसे हमें बारीक वाले कद्दूकस जो मिलता है आता है उससे कद्दूकस करना है। तो यहाँ छोटे वाले का यूज़ करके मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमें आलू का एकदम महीन पेस्ट वाला कद्दूकस करना है चाहिए। तो इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है मैंने आलूओं को, और अब यहाँ पर हमें मसाला तैयार करना है इसमें मिलाने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक बाउल ले लूँगी, और यहाँ जो एक छोटी चम्मच दिख रही है इसी चम्मच का यूज़ करके सारे मसालों का मेजरमेंट हमें लेना है। तो यहाँ पर इस चम्मच से 1/4 चम्मच हमें हल्दी लेनी है। हल्दी मैंने पहले ही डाल ली थी। तो अब इसके बाद लेंगे यहाँ पर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, बहुत थोड़ी सी यहाँ पर अजवाइन लेनी है, 2 पिंच हींग लेंगे, और साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर लेंगे, और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर चाट मसाला यूज़ किया है। तो चाट मसाले की जगह पे आप यहाँ पर आम का, सूखे आम का जो पाउडर आता है, आमचूर पाउडर कहते हैं जिसे, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मेरे पास चाट मसाला था तो मैंने सिर्फ चाट मसाले का ही यूज़ किया है। तो सभी इन मसालों को हम मिला लेंगे, एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाले तैयार हो चुका है हमारा। तो अब यहाँ पर जो हमने आलू बॉईल करके रखा है, उस आलूओं में इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे डालकर अच्छी तरीके से चम्मच से पहले मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले इसे मिला लेती हूँ। तो देखिए, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मैंने। अब हमें लेना है एक बड़ा बर्तन। तो यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है मैंने, इस पर रखी है एक छन्नी। तो यहाँ बेसन लेंगे हम। तो यहाँ पे 2 कटोरी मैंने छोटी कटोरी से 2 कटोरी बेसन लिया है। तो इतने आलूओं के लिए 200 ग्राम लगभग बेसन है ये। इस बेसन के साथ ही 1/2 कटोरी से 1 कटोरी से 1/2 कटोरी हम चावल का आटा लेंगे। तो अगर आप इस रेसिपी में बहुत अच्छा टेस्ट, क्रंची टेस्ट चाहते हैं तो चावल के आटे का यूज़ ज़रूर कीजिए। खाली बेसन से उतना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर चावल के आटे का यूज़ ज़रूर करना है। और साथ ही इसमें लेंगे थोड़ा सा पिंच इतना खाना का सोडा डाला है मैंने, मीठा सोडा। तो इसका यूज़ भी इतना सही करना है हमें, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। तो बस अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से छान लिया है, और अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम चम्मच से एक बार। तो ये मिक्स हो चुका है। तो अब जो हमने आलूओं में मसाला डाल के आलू को तैयार करके रखा है, उन आलूओं को इसमें डाल लेंगे, और अच्छी तरह मिक्स करते हुए इसका डो तैयार करना है। तो बिना पानी के यूज़ का इसका डो तैयार करेंगे। पानी का यूज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। आलू के साथ ही बेसन का और चावल के आटे का डो तैयार हमें कर लेना है। तो इस तरीके से मिलाते हुए हाथों से इसका डो इस तरीके से तैयार कर लिया है मैंने। और मैंने ऊपर से थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून तेल लगा लिया था इसमें। तो इस तरीके से ये डो तैयार हो चुका है। यहाँ पर सेव बनाने वाली मशीन का यूज़ करना है हमें। तो यहाँ मशीन ले ली है मैंने, ये ऐसे अच्छी तरीके से ऑयल से अंदर से ग्रीस कर लिया है। और यहाँ जो ये सेव बनाने वाली छन्नी होती है उसका यूज़ कर रही हूँ मैं। तो यहाँ थोड़े से मेरे पास वो बारीक वाली नहीं मिल रही थी मुझे, तो ये थोड़ा सा मोटे वाली छन्नी का यूज़ किया है मैंने। तो इस तरीके से हम छन्नी डाल लेंगे इसमें। और अब यहाँ पर मैंने बेसन के जो डो बनाया उसके 2 पार्ट कर लिए थे, उसमें से 1 पार्ट इसमें डाल लेंगे इस तरीके से। और इसका ऊपर से ये कैप लगा लेंगे मशीन का, घुमा के अच्छी तरीके से। तो इसे एकदम फिट लगा लेना है ऊपर से। और यहाँ एक प्लेट ले ली है मैंने ऑयल से ग्रीस करके। तो इस पर एक बार मैं डाल के देख लेती हूँ अच्छे से निकल रहा है या नहीं इसका बैटर। तो देखिए, प्लेट में मैंने पहले डाल के चेक कर लिया है। तो अब इसी तरीके से मैंने ऑयल गर्म कर लिया है यहाँ पर। तो इसी तरीके से जैसे हमने प्लेट में ये करा है, उसी तरीके से ऑयल पे अच्छी तरीके से घुमाते हुए बेसन की शेव बना लेनी है। तो हमें इस तरीके से ऑयल गर्म होते से ही इसमें इस तरीके से सेव डालना शुरू कर लेंगे हम। और लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से सेव को सुनहरी कलर आने तक फ्राई होने देना है। तो जैसे ही ये सुनहरी कलर में आ जाएंगे
एक बार अच्छी तरह से अलट पलट के इसे सेक लेंगे दोनों तरीके से तरफ से। और ये देखिए जैसे ही गोल्डन हो जाएंगे तो इसे निकाल लेना है हमें। तो इसी तरीके से बस मशीन से चलाते हुए हमें 2-3 बैच में सेव निकाल लेनी है फ्राई करके। तो देखिए यहाँ सारी सेव इस तरीके से फ्राई करके मैंने तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका कलर टेक्सचर देख सकते हैं आप कितना अच्छा है। तो प्लेट में आप इसका आवाज़ भी सुना देती हूँ आपको कितनी क्रंची क्रिस्पी बनी है हमारी सेव आलू सेव भुजिया। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका आवाज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए आप सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स। यकीन मानिए एक बार ज़रूर बना के आप इसे ट्राई कीजिए और इस होली के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा आप। तो इस तरीके से हम इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने भर लिया है इसे। तो आज की सेव भुजिया की रेसिपी बनकर तैयार है फ्रेंड्स। तो आपकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए रेसिपी मेरी अच्छी लगती हो आपको तो, ताकि आने वाली दूसरी